थैंक यू। तानाजी के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है, उसके सॉन्ग्स भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। अभी तक आपको पर्सनली क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? तानाजी काफ़ी बड़ी मूवी है, इट्स अ 3D मूवी एंड स्पेशली अजय देवगन की 100th मूवी है। सो काफ़ी लोग एक्साइटेड है, इट्स अ ह्यूज पीरियोडिक फिल्म, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ओवरऑल मेरे रोल के लिए भी बट मूवी के लिए भी। आपको अभी तक क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस फिल्म को लेकर? फिल्म्स को लेकर ये है कि जितने भी एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, जो VFX इफेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और लोगों के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। और मुझे जो एक लुक दिया हुआ है, एक मराठा एम्पायर का जो क्वीन होती है उसका लुक दिया है, उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई लुक। ओके, आपके ये कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी कि किस टाइप के आप रोल प्ले कर रही हैं। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ वाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, सोयरा बाई, एंड शी वॉज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। वो काफ़ी इन्वॉल्व थी उनके पॉलिटिकल, शी वॉज़ अ पॉलिटिकल एडवाइज़र एज वेल, बट ये मूवी में उसका उतना पार्ट ना दिखाते हुए उसका ये एक किरदार है जो वो हमेशा अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, एंड शी इज़ ऑलवेज विथ हर मदर इन लॉ, जीजा माता। अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या कुछ प्रिपेयर करना पड़ा? कितने चैलेंजेस आए या फिर कितना इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए? चैलेंजेस देखा जाए तो सिर्फ मुझे लगा कि ऑन सेट इतने बड़े एक्टर्स के सामने, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में परफॉर्म करते हुए, वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा। बट सच बताऊँ तो टीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिंग है, एंड डायरेक्टर ओम राउत जो है वो पर्सनली सबको एक्सप्लेन करते थे सीन कैसे करना है, क्या करना है, क्या मूड है। तो आई थिंक इट वॉज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट आई एन्जॉयड इट, इट वॉज़ नॉट दैट चैलेंजिंग विच आई थॉट फॉर। ओके, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप इस फिल्म के पार्ट कैसे बने, कैसे अप्रोच किया गया, अगर कुछ बताए। मैं वैसे महाराष्ट्रियन हूँ, माई मदर टंग इज़ मराठी, सो आई थिंक लुक फिट हो रहा था काफ़ी, सो आई ऑडिशन फॉर इट एंड देन लुक टेस्ट हुआ एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट फाइनलाइज्ड। ओके, काजोल मैम के साथ, अजय देवगन सर के साथ, सैफ अली खान के साथ काम करके कैसा लगा? काजल मैम के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, बट अजय देवगन एंड शरद केरकर जो थे उनके साथ मेरा सीन था, एंड आई मस्ट से कि अजय देवगन जो ऑन सेट ही वॉज़ वेरी काइंड एंड यू नो ही वॉज़ सो स्वीट, सब सबसे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, एंड आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा स्टार है जो काफ़ी ग्राउंडेड थे, सो या ही वॉज़ रियली नाइस टू एवरी वन, एंड शरद केरकर तो ही इज़ अ स्वीट गाय। ओके, क्या कुछ उनसे सीखने को मिला इस फिल्म के दौरान? मैंने ये सीखा कि आई थिंक ऑन सेट यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड यू नो देर शुड बी एनी प्रेशर वाइल परफॉर्मिंग। सो मैंने इन लोगों को यही ऑब्जर्व किया है कि जितना आप यू नो वो मज़े भी करते थे सबके साथ, बट जब परफॉर्मेंस का, जब एक्शन होता था तो पता नहीं कैसे एकदम अपने कैरेक्टर में आगे परफॉर्म करते, तो वो मैंने काफ़ी सीखने मिला है मुझे इन सब लोगों से। जब सेट पर इतने बड़े बड़े कलाकार रहते हाँ थे, सो कैसा माहौल रहता था? जब उनका शॉट लगता था तब सब शांत, बट जब सेटिंग्स होती है, सेट चेंज होता है या कुछ माइनर चीज़ें होती रहती है, तब सब लोग काफ़ी चिल्ड आउट रहते थे। और इतना ह्यूज सेट था क्योंकि उस टाइम का एरा दिखाया है मराठा का, जो पूरा फोर्ट और काफ़ी सेट काफ़ी अच्छा था, तो बड़ा मज़ा आता था। अगर कुछ फनीस्ट मोमेंट शेयर करना चाहें तो? फनीस्ट मोमेंट्स, येस आई रिमेम्बर देर वॉज अ सीन जो ट्रेलर में भी है कि पहले अजय देवगन कहते हैं कि पहले शादी कोंढाणा की फिर मेरे रायबा की, तो उसको ना मराठी में भी रिकॉर्ड कर रहे थे एक्चुअली वो डायलॉग, तो अजय सर वॉज सो क्यूट, ही वॉज लाइक पहले लग्न माझ माझ रायबा च नंतर ऐसा च, सो ही वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट च मराठी का, एंड ही वॉज सो यू नो ही वॉज हिमसेल्फ एडमिटिंग इट कि मेरी मराठी थोड़ी कमज़ोर है, सो इट वॉज वेरी फनी, ही वॉज लाइक वेरी स्वीट। आपके लिए इस फिल्म में काम करना कितना चैलेंजिंग, कितना इंटरेस्टिंग और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा था क्योंकि जैसे मैंने कहा इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मेरा एक सपना था कि एक पीरियोडिक फिल्म का मैं पार्ट बनूँ, जो मुझे ये मौका मिला, तो इट वॉज़ रियली नाइस, और चैलेंजिंग तो लगा मुझे बहुत होगा, बट एवरीथिंग वेंट वेल स्मूथली। आपके जर्नी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी, अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं स्मॉल टाउन से
आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ जो अकोला है, नागपुर के पास, इट्स इन महाराष्ट्र. तो मेरी पढ़ाई हुई है बस नागपुर से, लता मंगेशकर हॉस्पिटल. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ माय दिस डिग्री ऑफ डेंटिस्ट्री, आई मूव टू पुणे और मैं ऑडिशंस देने लगी पुणे से मुंबई, आना जाना करती थी. आई स्टार्टेड विथ रैम्प शोज, आई डिड मैनी रैम्प शोज, आई डिड डिजिटल एड्स, प्रिंट्स, टीवी कमर्शियल्स एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर मूवीज एंड वेब सीरीज. सो ऐसे करते करते इट्स बीन अ 3 इयर्स जर्नी फॉर मी टू गेट दिस रोल. आई स्टार्टेड विथ मॉडलिंग एंड देन गॉट ओके, दिस. सो पहले आप डेंटिस्ट रह चुकी हैं, सो एक्टर बनने का कहाँ से आइडिया आया या फिर किससे मोटिवेट हुई हैं? मोटिवेट आई थिंक स्कूल टाइम से ही मुझे बनना था. आई यूज टू बी द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्कूल फंक्शन, एज इन क्रिसमस, दिवाली, जो भी सेलिब्रेशंस होते थे. एंड आई एम अ गुड डांसर, सो वो मुझे तभी रियलाइज हो गया था. बट यू नो, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन विच इज़ अ फैक्ट, एंड माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, सो समवेयर दे डिडंट अलाउ मी यू नो टू गेट इन टू दिस, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज 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 ओनली. सो वैसे ही मेरा अपब्रिंगिंग हुआ. एंड देन वंस आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन, आई जस्ट फॉलोड माई ड्रीम्स एंड फॉलोइंग माई ड्रीम्स नाउ. सो आप फिल्म इंडस्ट्री में किससे एडमायर होती हैं? सच बताऊं तो बचपन तो इन्हें देखकर हुआ है, काजल मैम को, करिश्मा कपूर को, ये मेरे फेवरेट्स होते थे, अभी भी है. पर अभी दीपिका पादुकोण को मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई लाइक द वे शी यू नो स्पीक्स, हर ऑरा, शी इज़ वेरी एलिगेंट, सटल. आई लाइक द वे शी इज़, सो या आई एम इंस्पायर्ड बाय हर. तो आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं और इन फ्यूचर किस तरह की फिल्में करना पसंद करेंगी? मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो मूवीज़ में कुछ गुड मैसेज कन्वे होता है या जो हमारी हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होता है. आई थिंक आई वुड लाइक टू प्ले अ रोल विच वुड यू नो पुट सम गुड इम्पैक्ट ऑन आर सोसाइटी, विच आई ऑलवेज फील दैट आई एम केपेबल ऑफ प्लेइंग सच काइंड ऑफ रोल्स. एंड या ग्लैमरस इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, दैट्स डेफिनेटली द पार्ट ऑफ इट. बट आई थिंक दैट आई वुड फिट मोर इन टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. एंड आई एम गेटिंग ट्रेंड इन मिक्सड मार्शल आर्ट्स एज वेल, बिकॉज इफ रिक्वायर्ड देन फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स, इट्स ऑब्वियसली. आप थिएटर भी कर चुकी हैं, सो थिएटर करना इस फिल्म के लिए कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? थिएटर करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा बात करने में आवाज़ मेरी उस पे काम किया है, क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट, जो प्रोफेशन से मैं आई हूँ, मुझे आदत थी काफ़ी धीरे बात करने की, बिकॉज यू नो इन दैट प्रोफेशन यू नीड टू टॉक टू द पेशेंट्स वेरी पोलाइटली, सॉफ्टली. तो मेरी आवाज़ बढ़ती ही नहीं थी एक पॉइंट के बाद. तो थिएटर से मुझे वो काफ़ी हेल्प हुई. एंड आई ओपन्ड अप अ बिट, बिकॉज आई वॉज वेरी कंजर्वेटिव इनिशियली, कि ये कैसे बोलूँ, ये कैसे ज़ोर से बोलूँ, या ऐसे हाथ कैसे कर दूँ. सो आई वॉज वेरी कंजर्वेटिव. सो आई थिंक थिएटर से मुझे वो काफ़ी हेल्प हुई. एंड आई थिंक थिएटर एंड मूवीज़ में जो एक्चुअली एक्टिंग होता है, आई थिंक इट्स अ बिट डिफरेंट. बट या फॉर माई पर्सनैलिटी एंड ग्रूमिंग, थिएटर हेल्प मी अ लॉट. थिएटर और मूवी करना क्या कुछ अलग लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि थिएटर में काफ़ी ऑन स्पॉट होता है, यू नो यू हैव टू बी वेरी लाइवली ऑन स्पॉट, यू हैव टू गिव गिव रिएक्शंस, एंड इट्स अ बिट लाउड, एक्शंस एंड योर वॉइस. बट मूवीज़ में अभी ऐसा है कि यू हैव टू बी वेरी सटल, एंड इट शुड बी कन्वि इट शुड बी वेरी यू नो इट्स नॉट दैट लाउड कंपेरेटिवली. बट या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑल दो, बट या देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस आई फेल्ट बिटवीन थिएटर एंड मूवीज. इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्या कुछ बहुत उनसे सीखने को मिला? ओम राउत खुद महाराष्ट्रियन है, तो जब मैं उनसे मिलने गई थी फॉर दिस लुक टेस्ट एंड ऑल, सो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज उनकी पूरी टीम महाराष्ट्रियन काफ़ी लोग थे प्रोडक्शन में, ऑब्वियसली बिकॉज उन्हें वो वही पोर्ट्रे करना था. तो आई थिंक ओम राउत सर काफ़ी ही इज़ अ सिंपल मैन, ही इज़ अ सिंपल गाय, एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, विच आई थिंक, एंड ही वॉज गिविंग हिज बेस्ट. आई थिंक दिस इज़ हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, सो या आई रियली फेल्ट नाइस वर्किंग विथ हिम. ही वॉज नॉट पैनिकिंग, ही वॉज वेरी काम, एंड आई लाइक द वे ही वर्कड. एंड लास्टली 10 जैन को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, सो ऑडियंस से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 10th जैन, बस अभी
ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी एफर्ट्स सबने डाले हैं, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पे बेस्ड है, और उनका जो राइट हैंड था, जो सबसे इम्पोर्टेंट वॉरियर था, तान्हाजी मालुसरे, ये उस पे आधारित है। और ये काफ़ी, ये जो हिस्ट्री है काफ़ी लोग नहीं जानते, महाराष्ट्र में भी जो रहते हैं वो नहीं जानते। तो आई फील ये आप सब जाके देखो, और इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, काफ़ी चीज़ है, इट्स इमोशनल ऑल्सो, एंड जो फाइटिंग सीन्स है वो काफ़ी अच्छे किए हैं। तो आई थिंक यू ऑल शुड वॉच इट ओके, एक क्वेश्चन एंड और पूछना चाहूंगी कि इस फिल्म से आपको क्या कुछ सीखने को मिला जो पहले आपको नहीं पता था इस फिल्म से, इस स्टोरी से? स्टोरी से रिलेटेड टू तानाजी, राइट? सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ एक स्कूल में जो लाइन पढ़ाते थे कि सिंह गेलापन गढ़ आला, ये मुझे पता था, एंड इट्स रिलेटेड टू सिंहगढ़ फोर्ट, बट कुछ थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद था। तो जब मुझे पता चला ये मूवी मुझे मिली है, तो आई थिंक आई गूगल्ड एवरीथिंग, एंड फिर मुझे पता चला कि क्या हुआ था और किस वजह से ये हुआ था। तो जीजा माता का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, जो मेरी मदर इन लॉ होती है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मॉम। सो आई थिंक उनका, उनके इर्द गिर्द भी ये सारी स्टोरी लाइन है। सो मुझे खुद को काफ़ी कुछ पता चला। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, या कुछ हाँ जो मैंने अच्छा था वो बेटर है, जो जब पता नहीं होता ना वो इंस्टेंटली पूछो तो रोल पे। हाँ, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग थी, मतलब पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी पूरे इसमें। कुछ था, हवन वाला सीन था जो इंटरवल का क्लाइमेक्स सीन है, तो मैं बता रही हूँ ना, सेट का फील ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इमोशंस लाना वॉज ईजियर जब हम ऑडिशन हाय, थैंक ये आप कहाँ पहुंचे हो अभी? जो सर, जो हाँ, ग्लोबल जंक्शन से